गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुटेक पे। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पूरे एडमिशन प्रोसेस की। यहाँ पे हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, इसके सारे इम्पोर्टेंट डेट्स और क्या कैसे कब करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। तो ये मैंने आपके सामने एक नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन मैंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड की है, जो कि है ppup.ac.in। तो वहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम बात करने वाले इम्पोर्टेंट सारे इसके जो है डेट्स की। तो मैं आपको बता दूँ, ये नोटिफिकेशन जो 15/5/2019 को आई थी, और इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस इन रेगुलर स्ट्रीम्स ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स। यानी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए साइंस आर्ट्स और कॉमर्स, वो स्टार्ट हुआ है। कब से उसका डेट दिया यहाँ पे आपके लिए, 12 मई 2019 संडे से स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है 12 मई 2019 से ये स्टार्ट है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है यहाँ पे आपका सबसे पहले तो यही स्टार्टिंग डेट लिखा हुआ 12 मई 2019 से स्टार्ट है। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वह 30 मई 2019 तक है। आपको 30 मई 2019 से पहले जो है आपको लास्ट डेट जो वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो आपका है, तो वहाँ तक आपको लास्ट डेट तक उससे पहले कर लेना है। और उसके बाद आपका जो 2 जून को जो पहला मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है आपका एडमिशन का जो है वो 10 जून 2019 तक उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। और इसके बाद जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आपको 13 जून को आएगा, तो कुछ बच्चे मुझसे बार बार डेट पूछ रहे थे, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, पहला मेरिट लिस्ट जो आपको आ रहा है वह आ रहा है 10 जून को, इसके बाद फिर 13 जून को आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद जो थर्ड मेरिट लिस्ट जो वह 23 जून को आ रहा है यहाँ पे। जो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है उसके बाद जो एडमिशन का जो लास्ट डेट है वह 20 जून तक, तो आपको उससे पहले अगर करवा लेना अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में आया है। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट आपका 23 जून को आ रहा है, और यहाँ पे जो आपका 29 जून तक जो है वो लास्ट डेट है। इसके बाद स्पोर्ट एडमिशन जो है वह 2 जुलाई 2019 तक है, और एडमिशन आपका क्लोज 13 जुलाई 2019 को हो जाएगा। क्लास भी आपको 15 जुलाई 2019 से स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, यह आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सारे प्रोसेसेस की। तो यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं, लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे, अंत तक देखेंगे और उस वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाऊँगा। आप देख सकते हैं मध्य यूनिवर्सिटी के बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं उसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ़ी के लिए। तो फ़ी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अगर आप बीए बीएससी बीकॉम में करते हैं तो आपको 300 रुपया लगेगा फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको 300 रुपये जो वह देने ही पड़ेंगे। तो वह जो है आप ऑनलाइन दे सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो आप सभी को पता ही होगा, 12th एग्जामिनेशन विथ अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स, आपको मिनिमम 45% मार्क्स में होने चाहिए। और यहाँ पे जो है नो कैंडिडेट सेल चूज मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और ज्योग्राफी अनलेस ही हैज पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। तो आप मैथ और जो है स्टैटिक्स या ज्योग्राफी नहीं सेलेक्ट कर सकते अगर आप इसी सब्जेक्ट से 12th में पास नहीं होते, यह भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है। नहीं तो अगर आप 12th हो सकता है आर्ट्स से कर रखे हो और आपने जो है यहाँ पे मैथ सेलेक्ट करने की सोची तो वो नहीं होगा, तो वह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो हम बात करेंगे फॉर सीकिंग एडमिशन इन बीकॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जो है बीकॉम में एडमिशन चाहते हैं, तो अगर उन्होंने आर्ट्स और साइंस से कर रखा अपना तो उनको 50% लगेगा मिनिमम मार्क्स 12th में। तो अगर आप बीकॉम में एडमिशन चाहते हैं और आपका 12th जो हुआ आर्ट्स से है या फिर साइंस से है, तो कम से कम 50% मार्क्स वहाँ पे आपके पास होने चाहिए। रिजर्वेशन रूल भी, यहाँ पे रिजर्वेशन रूल है, तो रिजर्वेशन रूल तो वही गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो रिजर्वेशन रूल है वही लगेगा। और यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दे रखा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स अचीव्ड इन क्लास 12। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा, आपको पता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, जिसका कि मैंने डेट बता दिया, तो वह जो आपका क्लास 12th के मार्क्स के हिसाब से बनेगा। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया तो
तो उसके बाद जो एडमिशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो है 2 जून से लेकर 10 जून तक लास्ट डेट है, यानी कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, उसमें आपका नाम है और आप फिर जो है इंतज़ार कर रहे हैं 10 जून के बाद जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको एडमिशन करवा लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप यह नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि सारे डेट रिवर्से, तो आप यहाँ से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप फिर भी करना चाहते हैं तो ppup.ac.in पे जाकर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।